दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की कस्टमर हो तो आपको जरूर पता होगा पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और एक है ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तीनों मर्ज हो चुका है, ओबीसी, पीएनबी एंड यूबीआई। सो अभी अगर आप यूबीआई में कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करते हो, न्यू अकाउंट बनाते हो, तो कुछ इस तरीके का डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड आपको रिसीव होगा, जहां पे ऊपर की तरफ है पीएनबी, यहां पे चिप टाइप का है और यहां पे वाईफाई टाइप का लोगो यानी कि एनएफसी। अगर आप चाहते हो स्वाइप करके तो पेमेंट कर सकते हो, जो हम नेचुरली कर सकते हैं, बट यहां पे आप टच करके पेमेंट कर सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजी है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज का जो असली मुद्दा है, हम इस एटीएम कार्ड को कैसे पिन जनरेट करें, यानी कि न्यू पिन जनरेट करना भी पड़ता है। बैंक के पास अभी पिन कार्ड नहीं आता, या फिर आपका बाय पोस्ट जो एटीएम कार्ड रिसीव होता है वहां पे भी कोई पिन नंबर नहीं रहता है। आपको एटीएम कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड लेके एटीएम मशीन पर जाना पड़ता है और वहां पे जाके पिन जनरेट करना पड़ता है। सो मैं इस एटीएम कार्ड को लेके यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम मशीन है वहां पे गया और स्वाइप किया, वहां पे पिन जनरेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। डायरेक्टली दिखा रहा है कि एटीएम पर पिन डालने के लिए और बैलेंस विड्रॉल कर सकते हो जैसा आता है, बट यहाँ पे मुझे पिन जनरेट करना है क्योंकि ये मेरा नया डेबिट कार्ड है, या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में नया अकाउंट खोलने के बाद कुछ इस तरह आपको डेबिट कार्ड रिसीव होगा, जहाँ पे ऊपर की तरफ है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो इसको एक्टिव करने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम मशीन है वहाँ पे जाके कोई फायदा नहीं है। मैं 2-3 एटीएम मशीन चेक कर चुका हूँ, बैंक का जो स्टाफ है वहाँ से भी मैं कॉल करके पूछा उनको कि कैसे एक्टिव करूँ, मुझे पता है ऑलरेडी कैसे एक्टिव करना है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे है, आपको पता है नेचुरल जैसे हम नेचुरली करते हैं, बट यहाँ पे जो इशू है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में आपका बैंक अकाउंट है बट यहाँ पे एटीएम कार्ड रिसीव हुआ, डेबिट कार्ड रिसीव हुआ पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो मशीन है, एटीएम मशीन है, वहाँ पे कैसे होगा। तो मैं इसलिए बैंक पर संपर्क किया, बैंक को कॉल किया, मेरा जो नियर बाई ब्रांच है वहाँ पे बताया कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम मशीन है वहाँ पे हो जाएगा। बट मसाला कुछ अलग निकला भाई, इसको मैं एक्टिव करने के लिए गया था, वहाँ पे तो एक्टिव नहीं हुआ। उसके बाद मैं खुद से सोचा कि पीएनबी का जो पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम मशीन है वहाँ पे जाके इसको एक्टिव करूँ। तो वहाँ पे जाके जैसे स्वाइप किया तो वहाँ पे दिखा रहा है कि पिन जनरेशन का एक ऑप्शन आ गया। तो कैसे जनरेट करना है उसको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड करके रखा जब पिन जनरेट कर रहा था। सबसे पहले आपको पीएनबी एटीएम मशीन पर जाना है और कार्ड को स्वाइप करना है। कार्ड को स्वाइप करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में है क्रिएट और चेंज पिन, यानी कि जनरेट करने का एक पिन ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहाँ पे नीचे की तरफ है जी पिन। ओके, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में आना है और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलता है, ओटीपी जनरेशन एंड ओटीपी वैलिडेशन। तो यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले ओटीपी जनरेशन। जैसे ही आप ओटीपी जनरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, बैंक के साथ लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 6 डिजिट का ओटीपी। और ओटीपी रिसीव होने के बाद एटीएम कार्ड को बाहर निकालना है, फिर से इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो क्रिएट और चेंज पिन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जी पिन का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे क्लिक करना है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आना है राइट साइड में फिर से, और यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है ओटीपी वैलिडेशन, सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। पहले हम ओटीपी जनरेशन कर चुके हैं, तो अब हमें करना है ओटीपी वैलिडेशन, और ओटीपी वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ओटीपी डालने का एक ऑप्शन आ जाता है। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी रिसीव हुआ यहाँ पे ओटीपी आप डाल दीजिए, और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ है यस नो, तो आपको यस करना है। अगर आपका एटीएम कार्ड मशीन टच स्क्रीन है तो टच करेंगे, अगर बटन है तो बटन प्रेस करेंगे, और यस करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ एटीएम स्लिप निकल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पिन चेंज सक्सेसफुल, और यहाँ पे है योर न्यू पिन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो कुछ इस तरीके से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का अभी जो न्यू एटीएम कार्ड रिसीव हो रहा है तो आप एक्टिव कर सकते हो। दोस्तों, आपको बता दिया, सो आई होप आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यूबीआई में अगर आप अकाउंट न्यू ओपन करते हो, या फिर डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, और कुछ इस तरह आपको एटीएम कार्ड रिसीव होता है जो कि पीएनबी का है, तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करके आप डेबिट कार्ड को जनरेट एक्टिव कर सकते हो, पिन भी जनरेट कर सकते हो। बट अब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम मशीन है वहाँ पे नहीं, पीएनबी का एटीएम मशीन पर जाना है, अगर यहाँ पे पीएनबी लिखा है तो। और आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पे पीछे की तरफ है दिस कार्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक टू हुम इट मस्ट बी रिटर्न इफ फाउंड और अपन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे पीछे की तरफ पूरा क्लियरली लिखा है कि
पंजाब नेशनल बैंक का एक प्रॉपर्टी है, इनकी एक कार्ड है, तो भाई जाहिर सी बात है आपको पीएनबी पे जाना है, पीएनबी का जो एटीएम मशीन है और वहाँ पे जाके एक्टिव करना है। दोस्तों आई होप इस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।